आप लोग देखिए इसका एग्रेशन देखिए, पॉली का मुंह पर एक मजल लगा हुआ है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ थोड़ा देर में। उसका पहले मैं आप लोगों को सरप्राइज दिखाता हूँ, क्या सरप्राइज है आज का। तो आज का सरप्राइज है, और तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं सुकौत, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बासुना बर्ड सेवेरी में मैं करता हूँ बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, अभी तो कोरोना का पैंडेमिक सिचुएशन में बाहर जाके वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, घर में ही ज़्यादातर वीडियो में बनाता हूँ। और आप लोग तो जानते हैं मैं एक बर्ड्स लवर हूँ और उसका साथ साथ मैं एक डॉग्स लवर भी हूँ। तो मेरे घर में एज अ पेट बहुत सारे डॉग्स है, जिसमें रॉटविलर भी है। तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। तो आइए मेरे साथ वो सरप्राइज देखने के लिए स्टार्ट। और जैसे कि जानते हैं आप लोग, ये मेरा घर का रॉटविलर फीमेल, तो इसका नाम पॉली है। आप लोगों में देखा ही होगा पिछले वीडियो में, पॉली मेरा बहुत सारे वीडियो में मेरा साथ है। जब मैं बर्ड स्टिक्स को हैंड फीडिंग कराता हूँ तो पॉली बैठ के देखता है उन लोगों को, और उन लोगों का साथ एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग है इसका। जितना भी चिक्स मेरा घर पे खुला हुआ रहता है, जो सारे हैंड टेम रहता है, वो पॉली के पास भी जाके बैठता है, लेकिन पॉली कभी भी उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, और वो लोग भी इसका साथ बहुत अच्छे तरह से खेलता है, प्लेफुल है। तो अभी आप देख रहे थे पॉली का मुंह पर एक मजल लगा हुआ, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ थोड़ा देर में। उसका पहले मैं आप लोगों को सरप्राइज दिखाता हूँ, क्या सरप्राइज है आज का। तो आज का सरप्राइज है, ये मेरे मॉम है। अब तो देखे ही होंगे पॉली मॉम को छोड़ के किसी को अलाउ नहीं करता, इसीलिए ये देखिए पॉली का छोटा छोटा नन्ना नन्ना कुछ बेबी आया है, और एक भी है, तीन बेबी हुआ है पॉली का। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा तीन बेबी पॉली का। और ये रहा पॉली का तीन नन्ना नन्ना बेबी। आज लेके इन लोगों का उम्र 17 डेज हो रहा है। बहुत ही नन्ना, बहुत ही प्लेफुल है, बहुत बदमाश है, ये सबसे ज़्यादा बदमाश है। हाँ फ्रेंड्स, दो फीमेल हुआ है, ये दो फीमेल है और ये एक मेल है, ठीक है। जस्ट कल इन लोगों का आँख ओपन हुआ है, अभी दो का तो ओपन हो चुका है, एक का अभी थोड़ा सा होना बाकी है। तो जैसे कि जानते हैं आप लोग, रॉटविलर जो है बहुत एग्रेसिव ब्रीड होता है। तो जब इन लोग ब्रीड पे आते हैं, मतलब इन लोग का जब ब्रीडिंग होता है, तो इन लोग और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने पप्स को किसी को अलाउ नहीं करते टच करने के लिए। तो मॉम का साथ इसका बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए सिर्फ माँ को ही अलाउ करते हैं अपने बेबी को खिलाने पिलाने के लिए, और साफ़ सुथरा करने के लिए सिर्फ मॉम को अलाउ करती है। आज मैं बैठा हूँ तो इसीलिए मैं मजल पहना के बैठा हूँ, ताकि मुझ पर कोई अटैक वगैरह ना करे। तो चलिए, इन लोग का भी फीडिंग करने का भी टाइम हो गया, तो दे देते इन लोग, देखिए फीडिंग करेगा कितना अच्छा से। देते का साथ ही देखिए फीडिंग करना स्टार्ट हो गया। और आप लोग देख सकते हैं कितना आराम से, कितना सुकून से सब बेबी लोग फीडिंग कर रहा है, और पॉली ऐसे माँ का गोदी में ऐसे करके सोया रहता है, और पॉली सो जाता है माँ का गोदी में, और ये लोग उसका बेबी लोग भी अपने दूध पीते पीते वहाँ पे सो जाता है। तो आज का वीडियो में यही सरप्राइज़ था आप लोगों को दिखाने के लिए, आशा करता हूँ आपका सरप्राइज़ अच्छा ही लगा होगा। और एक बार मैं आप लोगों को मेरा जो रॉटविलर मेल है, जिसका नाम है टाइगर, उससे भी एक बार मिला देते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए टाइगर के पास, मेरा घर का रॉटविलर मेल टाइगर, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही गोलू मोलू सा टाइगर। टाइगर सिट सिट सिट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग का घर का टाइगर रॉटविलर मेल, हेड का साइज देखिए आप लोग कितना ज़्यादा बड़ा है। और अभी इसका उम्र लगभग 2 साल हो रहा, अभी तक 2 साल हुआ नहीं, कुछ महीने बाकी है 2 साल होने में, और बहुत ज़्यादा हाँपता है। और अभी इसका वजन लगभग 65 kg है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब बाहर का किसी को अलाउ जल्दी नहीं करता है, घर का किसी को तो कुछ करता नहीं, मतलब ये पॉली से भी शांत है, मतलब ये मेरा रॉटविलर फीमेल से भी शांत है, सबका पास जाता है, सबको प्यार करता है, लेकिन बाहर का किसी को देखता है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। गार्डिंग पर्पस ये बहुत बेस्ट है, हम लोग का घर में बहुत अच्छा से गार्ड देता है, हम लोग को सबको प्रोटेक्ट करता है। और अभी मेरा दोस्त कैमरा कर रहा है, तो उसी को देख के एग्रेसिव हो जा रहा है ये। आप लोग देखिए इसका एग्रेशन देखिए, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल बासोना बर्ड्स सेवेरी को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरे अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, इसका अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जो मेरा रॉटविलर पप्स हुआ उनके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे उनको मैं टेक केयर करता हूं, उनको साफ सुथरा कैसे रखता हूं, उनको किस तरह से रखना चाहिए और उनका टेम्परेचर क्या रखना चाहिए रूम का, सब चीज़ के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक बार और लाइक कर दीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। अपने घरों में रहे, स्वस्थ रहे, सावधान रहे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।